हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी. दिस इज मी शेली. एंड अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बहुत क्विकली एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस चैनल पे हम लोग जो वीडियो बनाते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट बेबी केयर, चाइल्ड केयर, किड्स लर्निंग, पेरेंटिंग, पेरेंटिंग स्ट्रगल एंड किड्स फूड. तो आपको अगर इन सारे टॉपिक में कुछ भी इंटरेस्ट है तो आप फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी इस टॉपिक पे हम वीडियो डालें उसके बारे में आपको पता लगता रहे. अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बार इसको रिक्वेस्ट किया है काफ़ी लोगों ने, विच इज़ गुड टच एंड बैड टच. अपने बच्चों को कैसे सिखाएं. तो जब हम बात करते हैं गुड टच बैड टच की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेरेंट को अपने बच्चे को सिखाना होता है, वेदर देयर चाइल्ड इज़ बॉय और गर्ल. आज के टाइम में सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. बट ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बच्चे को बताया और काम ख़त्म. इट्स प्रोसेस जो आपको बच्चे की एज के साथ साथ कंटिन्यू करनी होती है. तो गुड टच बैड टच के बारे में हम आज बात करेंगे. हम क्या क्या प्रैक्टिस है जो अपने बेटे दर्श के साथ करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो स्कूल में वो सीख रहा है, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं उसको अपने साइड से रिसर्च करके मैं उसको सिखा रही हूँ. तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो आई एम श्योर कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ, चाहे उनके बच्चे किसी भी एज के हों. हर एज के बच्चे के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो दर्श के साथ हमने गुड टच बैड टच स्टार्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स अगो, जब उसने फर्स्ट टाइम स्कूल जाना स्टार्ट किया था, लाइक अराउंड 3 ईयर्स ऑफ एज. बट उस टाइम पे हम उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिखाते थे. बट जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे चीज़ें देखता है, वो ज़्यादा लोगों से मिलता है, उसका एक्सपोजर बढ़ रहा है, कुछ चीज़ें उसे स्कूल में सिखाती हैं. तो उस धीरे 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 पिछले 2 साल में हमने मल्टीपल चीज़ें ऐड ऑन की हैं अपने रूटीन में. तो जब गुड टच और बैड टच की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपको बेसिक जो है बेसिक आपको बच्चे को ये बताना है कि क्या चीज़ें राइट होती हैं, क्या चीज़ें रॉन्ग होती हैं, वेदर इट इज़ अ टच, वेदर इट इज़ अ हग, वेदर इट इज़ अ किस. तो आपके हिसाब से आपके बच्चे के लिए जो क्या लगता है कि बच्चे को क्या पता होना चाहिए कि ये चीज़ करना सही है और ये चीज़ करना गलत है. सबसे पहले तो उसकी ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करनी है किसी भी तरीके से आप उसको सिखाएं. सेकेंड चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, जब भी बच्चे को लगे कि कोई कुछ भी चीज़ जो उसके साथ रॉन्ग हो रही है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, उस केस में वो क्या कर सकता है, किस तरीके से वो हेल्प ले सकता है, किस तरीके से वो उस सिचुएशन को एस्केप कर सकता है. तो ये 2 चीज़ें हैं पूरा बेसिक जो भी आप गुड टच बैड टच के बारे में बच्चे को सिखाते हैं. क्योंकि अगर बच्चे को यही नहीं पता होगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, या अगर कुछ रॉन्ग है तो उसे क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, तो कुछ भी आप उसको सिखा लें उसका कोई भी सेंस नहीं है. तो अब हम फटाफट से जंप करते हैं प्रैक्टिस पर कि क्या चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दर्श के साथ. सो द फर्स्ट प्रैक्टिस इज ऑफ कंसेंट. आपका बच्चा किसी भी एज का है, चाहे वो 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, किसी भी एज का है, कंसेंट बच्चे के लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दर्श के साथ जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करें हम उसका कंसेंट लें, चाहे वो उसको बात कराने की एक्टिविटी है, चाहे उसके साथ प्ले करने की एक्टिविटी है, चाहे उसको ड्रेस या अनड्रेस करने की एक्टिविटी, कुछ भी चीज़ है, हमेशा उसका कंसेंट हम लेते हैं. व्हेन ही अग्रीज तभी हम वो काम करते हैं. इस 2 फायदे होते हैं. एक तो बच्चे को समझ में आता है कि उसकी बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल है. अगर वो मना कर रहा है तो इवन उसके पेरेंट्स भी उसको किस नहीं कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स भी उसको हग नहीं कर रहे हैं. सेकेंड, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं उनको उनके लिए कंसेंट किसी और का लेना भी इम्पॉर्टेंट होता है. तो ये कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है छोटी एज में बच्चों के लिए और बड़ी एज में, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बने उसके लिए भी. सेकेंड प्रैक्टिस है कि कोई भी चीज़ आप बच्चे के ऊपर फोर्स मत कीजिए. फोर्स करने से मेरा मतलब है, बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस आपने देखी होगी अपने बचपन में या अपने घरों में भी, कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है, यूजुअली मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर के सामने इजीली नहीं जाते हैं, वो हाइड करते हैं, बात नहीं करते हैं. अगर आप उन्हें फोर्सफुली सबके सामने लेकर भी आते हैं तो वो टाइम लेते हैं थोड़ा घुलने मिलने में. उस टाइम पे आपको बच्चे को फोर्स नहीं करना है, आपको बच्चे को टाइम देना है, आपको बच्चे को लेबल नहीं करना है. क्योंकि अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि लेट्स से अंकल को हग करो, अंकल को किस करो, तो वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि वो काम वो करना नहीं चाहता है, बट हम उसे फोर्सफुली करा रहे हैं. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि
अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है और फिर भी उनके पेरेंट्स उनको करने के लिए बोल रहे हैं, तो वहां पे तो कंसेंट का सारा जो आप उनको सिखा रहे थे वो बिल्कुल ही जीरो हो गया है। तो आपको बच्चे को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना है, स्पेसिफिकली जब उनकी बॉडी से रिलेटेड, उनके कंफर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज आती है। और ऐसे केस में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे बच्चा अपना सेंस यूज कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वो कितना सेफ है उस एनवायरनमेंट में, नए लोगों के साथ बच्चे को घुलने मिलने में टाइम लग रहा है। तो जब तक बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, जब तक बच्चा सेंस नहीं कर रहा है उस एनवायरनमेंट को, तब तक आप बच्चे को बिल्कुल भी मत फोर्स कीजिए किसी को हग करने के लिए, हैंडशेक करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए, किस करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट टच, कि कहाँ पे उनके मम्मा डैडी को सिर्फ अलाउ है टच करने के लिए, कहाँ पे उनके फ्रेंड्स टच कर सकते हैं, कहाँ पे जब वो नए लोगों से मिलते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, कहाँ पे वो टच कर सकते हैं। हम गुड टच बैड टच एज अ वर्ड यूज़ नहीं करते हैं इन जनरल प्रैक्टिस, हम राइट या रॉन्ग यूज़ करते हैं वो हमारे लिए, क्योंकि दर्श के लिए राइट और रॉन्ग ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कोई चीज़ रॉन्ग है तो उसको नहीं करनी चाहिए, या कोई चीज़ रॉन्ग राइट है तो वही सब चीज़ें उसको करनी चाहिए। तो टर्मिनोलॉजी आप अपने बच्चे के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो क्या चीज़ें राइट हैं, कहाँ टच करना राइट है, कहाँ टच करना रॉन्ग है, क्या काम करने राइट हैं, क्या काम करने रॉन्ग हैं, अपने बच्चे के एज अप्रोप्रिएट आप उन्हें बता सकते हैं। दर्श के केस में हम यूजुअली उसको कि जैसे बैक पे टच करना, शोल्डर पे टच करना, सर पे टच करना, चीक्स पे टच करना इज़ फाइन, इज़ राइट फॉर योर फ्रेंड्स, बट इसके अलावा जो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे टच करना मम्मा डैडी और दर्श के अलावा इज़ रॉन्ग। इस तरीके से हम उसको सिखाते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है जो कि उनके स्कूल में स्टार्ट हुई थी एंड हमने घर पे भी उसे कंटिन्यू रखा है, और हम उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं, विच इज़ नोइंग अबाउट योर बॉडी एंड प्राइवेट पार्ट्स। हर बॉडी का क्या, बॉडी पार्ट का क्या मीनिंग होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्या फंक्शन होता है। प्राइवेट पार्ट्स के एक्चुअल नेम उनके स्कूल में बोले जाते हैं, तो हम भी घर पे वही नाम कंटिन्यू करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि दर्श उससे कन्फ्यूज़ ना हो। इसके अलावा उनको प्राइवेट क्यों बोला जाता है, आपको उनको एक्सपोज क्यों नहीं करना है, आपको उनको हमेशा कवर करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहते हैं। इट्स नॉट कि हम डेली उसको ये चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि अगर हम डेली बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, वो खुद ही मतलब बोर हो जाएगा। बट हाँ, टाइम टू टाइम जब भी हमें मौका दिखता है कि हाँ हम इस बारे में बात कर सकते हैं, हम उससे इस बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है टू हैव सर्टेन रूल्स अबाउट बॉडी, उसकी बॉडी हमारी बॉडी दोनों के लिए सेम रूल्स हैं। मीन्स कि अब जब से उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया है, हम तब से उसको, उसको पूरे कपड़े नहीं उतारते हैं मम्मा और डैडी किसी और के सामने, सिर्फ हम दोनों ही हैं जिसके सामने वो फुली अनड्रेस हो सकता है। हम उसके सामने कम्प्लीटली कपड़े चेंज नहीं करते हैं। हम उसके जब भी उसको बात कराते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि या तो बात अलग अलग करें या फिर कपड़े पहन के करें, अगर उसके साथ बात कर रहे हैं तो, ताकि उसको रहे कि हाँ जो रूल हम उसके लिए बोल रहे हैं वही रूल हमारी बॉडी पे भी एप्लीकेबल होते हैं। इट्स नॉट कि चाइल्ड है तो अलग रूल होंगे या अडल्ट है तो अलग रूल होंगे, बॉडी सबकी बॉडी सेम है तो सबके लिए रूल भी सेम होगा। और नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि उसको तो समझ में आ गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन में, बट अगर कभी भी वो स्केर्ड फील करता है या वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसे लग रहा है कि समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग, उस केस में वो क्या कर सकता है, तो ये भी हम टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसमें सबसे बेसिक चीज़ है कि उसको शाउट करना है, उसे नो बोलना है, उसके पास जो भी कोई भी ऐसा अडल्ट है जिसको वो ट्रस्ट कर सकता है, चाहे मम्मा है, डैडी है, टीचर है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भाग के उनके पास जा सकता है, उनको चिल्ला के बुला सकता है, ताकि उसे पता रहे कि वेन एवर ही इज़ इन डेंजर उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ये सारी चीज़ें थी जो हम यूजुअली उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं, और आपको भी अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब अगर आपको ये डाउट है कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसको प्रैक्टिस करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तो है कि कॉन्वर्सेशन की, आप जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप जैसे बच्चे को बात कराया उस टाइम पे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, या इसके अलावा बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा उस टाइम पे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बच्चे कोई कार्टून देख रहा है उस टाइम पे आप वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरी, आजकल तो बुक्स में हर टॉपिक आपको मिल जाता है, तो बच्चे की जो एज अप्रोप्रिएट बुक्स होती हैं आप उनके थ्रू बच्चे को स्टोरी सुना सकते हैं, आप प्रिटेंड प्ले कर सकते हैं,
यूट्यूब पे देर आर मल्टीपल सॉन्ग्स, जो सॉन्ग्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इस तरीके से सॉन्ग्स के थ्रू, प्रिटेंड प्ले, बुक्स, कार्टून्स, कॉन्वर्सेशन, किसी भी तरीके से आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं. सिर्फ एक ही तरीका ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीका आपके बच्चे को सूट करेगा. आई वुड सजेस्ट कि आपको इनिशियल जो टाइम होता है जब बच्चे को ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है, लाइक 3 to 5 ईयर्स वाली एज में, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए. उसके बाद आप थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं. सब चीज़ों के अलावा हम एवरी डे हम दर्शक पूछते हैं कि उसने स्कूल में क्या किया, नॉट इन जनरल, थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक होके कि आज स्कूल में उसे सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे खराब क्या लगा, क्या वो स्कूल में परेशान हुआ, क्या उसने किसी को मिस किया, क्या उसे कोई प्रॉब्लम फेस हुई, उसके जनरली उसके दोस्तों के बारे में कि उससे अपने कौन से फ्रेंड के साथ खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसको अपने कौन से फ्रेंड के साथ खेलना अच्छा नहीं लगा, टीचर ने आज क्या किया, अगर क्या वो वॉशरूम गया, कौन उसके साथ वॉशरूम में गया, उस वॉशरूम में उसको क्लीन किसने किया, ये सब सारी चीज़ें कि क्या कोई चीज़ थी जो उसको आज स्कूल में अच्छी नहीं लगी या ख़राब लगी. बेसिकली हम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई ऐसी चीज़ है हो रही, ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो दर्शक को पता ही ना हो कि रॉन्ग है, बट इट्स एक्चुअली शुड नॉट हैपन. तो कभी कभी बच्चे डायरेक्टली आपको नहीं बताते हैं क्योंकि उनमें वो सेंस नहीं है कि उनको एक छोटी सी चीज़ जो कि गलत होनी चाहिए उनको समझ में आ जाए इंस्टेंटली कि हाँ ये गलत है, क्योंकि वो अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. तो वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूरे दिन में ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हुई है जो डेली बेसिस पे हो रही है और दर्श उसको हमें नहीं बता रहा है या नोटिस नहीं कर रहा है वो, बट वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट. इसके अलावा एज अ पेरेंट आपको एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि जैसे 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 बच्चों का स्कूल टाइम स्टार्ट हो जाता है तो उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से काफ़ी सारे उनकी बॉडी को लेकर या आपकी बॉडी को लेकर या उनके किसी फ्रेंड की से रिलेटेड भी हो सकते हैं. तो उन क्वेश्चन को आपको ऐसा नहीं है कि आपने बस रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये बाद में बात करेंगे या आपके मतलब की बात नहीं है या कुछ भी गलत आंसर दे दिया. उस टाइम पे आपका बच्चा जिस भी एज का है आप उनको एज अप्रोप्रिएट आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर जो आप उनको बताएंगे पहली चीज़ तो वो उसी को सही मानेंगे, चाहे आप उन्हें गलत बताएं चाहे सही बताएं. इसके अलावा जैसे जैसे वो बड़े होंगे और जब उनको पता लगेगा कि आपने कोई चीज़ गलत बताई है और उनको वो कहीं और से उस चीज़ के बारे में कुछ और पता लग रहा है जो कि आपकी बताई हुई चीज़ से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली वो नए सोर्स को ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे. वो आपसे मे भी हो सकता है डिस्कस ना करें इस बात को लेकर और आपको पता ही नहीं है कि उनकी नॉलेज किस तरीके से चेंज हो रही है. यू नेवर नो कि बच्चे कहाँ से कब क्या सीखते हैं. तो इससे बेटर है कि जब भी बच्चा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसकी एज के हिसाब से उसे सही आंसर ज़रूर दीजिए और आप उसको थोड़ा सा ओपन एंडेड भी छोड़ सकते हैं कि ठीक है हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे या हम इसके बारे में आपके 5th बर्थडे के बाद बात करेंगे, कुछ भी ऐसा ताकि बच्चे को रहे कि हाँ वो आपसे इस टॉपिक के ऊपर फिर से बात कर सकता है. देर इज़ नो प्रॉब्लम कि बच्चा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें आपसे. इसके अलावा पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं इस टॉपिक को लेकर. जब से सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि कब हम इस टॉपिक के बारे में बच्चे से बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वैसे तो जब से बच्चा आपका बात करना स्टार्ट कर रहा है आप तब से कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है उससे कुछ महीने पहले आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल सही टाइम है कि हाँ बच्चा के साथ अब आप 24 घंटे नहीं रहेंगे, बच्चा आपके बिना रहेगा, तो उनको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमने एक बार बच्चे को बता दिया तो वो काफ़ी है. बिल्कुल भी नहीं. आपको बच्चे के साथ एक प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है जब तक बच्चे इतने, आपको लगता है कि इतने स्मार्ट नहीं हो गए हैं कि उनको इस टॉपिक के बारे में जितना पता होना चाहिए सब कुछ पता है. तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है कि आपका जो पेरेंट और बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो भी उससे थोड़ा सा बेटर होता है. इसके अलावा वो आप पे, अगर आप इस कॉन्वर्सेशन को टाइम टू टाइम करते रहेंगे बच्चे की एज के हिसाब से, तो बच्चे को रहेगा कि हाँ कोई है जिससे वो अपने किसी भी टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात कर सकता है. तो इट्स ए काइंड ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस टिल आई वुड से बच्चे के टीन ईयर्स तक, मे बी और मे बी ज़्यादा, आई एम नॉट श्योर. इसके अलावा आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो जो प्रैक्टिस मैंने आपके साथ शेयर की हैं क्या वो सब इनफ है, तो नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे के इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है,
आपको अपने तरीके चेंज करने होते हैं, आपको अपने कॉन्वर्सेशन चेंज करनी होती है, आपको कॉन्वर्सेशन करने का तरीका चेंज करना होता है, ज़्यादा आपकी कॉन्वर्सेशन डीपर होती रहती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ जब दर्श ऑलमोस्ट लाइक 3 से 5 साल की एज के बीच का है, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो डेफिनेटली मुझे अपने तरीके थोड़े से और इम्प्रूव करने होंगे। इसके अलावा एक ही क्वेश्चन भी होता है कि ठीक है, आपने बच्चे को सब कुछ समझा दिया, बच्चे को सिखा भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब कुछ आप परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, बट फिर भी देर आर चांसेस कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ और वो आपको नहीं बता रहा है। वो बच्चे ही तो हैं, हो सकता है कुछ ऐसा हो गया है कि बच्चा उसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो किसी के साथ उस सिचुएशन को या वो जो भी एक्सीडेंट, गॉड फॉरबिड, जो भी एक्सीडेंट हुआ उसको शेयर कर पाए। तो उस केस में एज अ पेरेंट आपको कैसे पता लगेगा? तो आपको भी थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि जब भी आपको आप बच्चे के बिहेवियर में छोटा सा भी चेंज नोटिस कर रहे हैं, कोई भी उसका लाइक या डिसलाइक चेंज हो रहा है, कोई भी उसको कुछ गिफ्ट्स मिलने ज़्यादा स्टार्ट हो रहे हैं, एनीथिंग जो आपके यूजुअल डे से डिफरेंट हो रहा है, रेगुलर बेसिस पर डिफरेंट हो रहा है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा एक अवेयर रहना पड़ेगा, कॉन्शियस रहना पड़ेगा। बच्चे से प्यार से आप पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसके अलावा ऐसी भी एक प्रैक्टिस बिल्ड कीजिए कि अगर आप नहीं हैं बच्चे के साथ और बच्चे को कोई भी नॉन पर्सन भी अगर कोई भी गिफ्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो दे शुड नॉट ईट इट और यूज इट इमिजिएटली। वो सबसे पहले जो आप हैं मतलब एज आपके मम्मा के पास या डैडी के पास या ग्रैंड पेरेंट के पास जाए, जिनको भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके पास जाए, उनको बताए कि उनको बच्चे को ये मिला है, एंड देन आप मम्मा के साथ उसको इंजॉय कर सकते हैं, मम्मा विल ऑल्सो शेयर विद यू, कुछ भी ऐसी तरीके से जिससे आपको लगता है कि बच्चा जब भी आपके पीछे किसी से भी मिल रहा है वो आपको वो डेफिनेटली बताए। जिस भी तरीके से आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है आप कीजिए। दर्श के साथ ये मतलब मैंने हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि दर्श अपना कुछ भी जब वो मेरे बिना कर रहा है वो मुझे वर्ड टू वर्ड बताए, कोई भी उसे चीज़ मिल रही है खाने की वो उसको खुद से ओपन ना करे, वो मम्मा से या डैडी से ही उसको ओपन कराए और हमारे सामने ही वो उसको खाए, एंड वी ट्राई कि जो भी चीज़ उसे कोई और देता है वो चीज़ हम उसको दे दें खाने को, ताकि उसके दिमाग में ये ना रहे कि अच्छा मैंने मम्मा या डैडी को दे दिया तो मुझे ये चीज़ खाने को नहीं मिलेगी या वो इसको लेके रख लेंगे। वो चीज़ उसके पास ही रहेगी, वही उसको खाएगा, बट मम्मा और डैडी के साथ में खाएगा। तो ताकि इससे एक ये आपको एक थोड़ा सा एश्योरेंस हो सकता है कि हाँ बच्चे को कुछ कोई भी अगर मिल रहा है, कोई भी उससे बात कर रहा है, तो बच्चा आपको आके ज़रूर बताएगा। छोटे बच्चे यूजुअली ये चीज़ करते ही हैं, बट जैसे जैसे वो थोड़े से और बड़े होते हैं ये चीज़ें कम होती रहती हैं। सो दैट्स इट, यही सारी कुछ प्रैक्टिस थी जो हम दर्श के साथ कर रहे हैं पिछले 2 साल में। आई होप के ये आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी, एंड ऐसा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए सारे पेरेंट्स के साथ। इस टॉपिक पे आपके कोई और क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिसके बारे में आप और डीप में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आई विल मेक सेपरेट वीडियो, अदरवाइज आई विल ट्राई कि मैं कमेंट में ही आपको आंसर कर दूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ उसकी फ्रिक्वेंसी भी थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ज़्यादा लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं भी थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालूँ, क्योंकि मेरे लिए भी टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऑफिस, घर का काम, दर्श के साथ, बट आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँ, बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग कि ठीक है लोगों को मेरा कॉन्टेंट जो वो पसंद आ रहा है। तो कीप मोटिवेटिंग मी, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब बटन के साइड में एक नोटिफिकेशन बेल भी है, अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आता रहेगा, जिससे आपको ये इजीली पता लग जाएगा कि एक नई वीडियो आ गई है जिसको आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।